everyone, welcome to the SAM, that is the Study Art, Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the aphthous ulcer, or you can say a recurrent aphthous stomatitis. It is a very very important disease in a field of dentistry also, and we are going to discuss about its introduction, its etiology and its classification. This is going to be a part one of aphthous stomatitis. Okay, so five things, these five things are the very 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 important things which you have to remember. Okay, that is, it is a रिकरेंट aphthous ulcer और stomatitis. तो ये रिकर होता है, यानी कि इट हैज़ अ पुअर प्रोग्नोसिस. ओके, एंड इट इज़ पेनफुल एंड इट इज़ सॉलिटरी. यानी कि अगर ये आपके रीजन में, इस रीजन में अल्सर हुआ है, इस रीजन में स्टोमेटाइटिस हुआ है, तो ये हील होने के बाद ये दूसरे रीजन पे कूद जाएगा. सॉलिटरी यानी कि कूदना, तो ये एक से दूसरी प्लेस पर ये कूद जाता है. ठीक है, एंड समटाइम्स इन सीवियर केसेस देयर आर सम मल्टीपल अल्सरेशंस आल्सो. ओके, एंड दीस अल्सर्स हील्स स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हील भी हो जाते हैं ये. ओके, तो अगर हम इसकी एटियोलॉजी देखें तो देयर आर मेनली एट टाइप्स. इन मेनली एट टाइप्स, फर्स्ट इज योर इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, दैट मीन्स द टी सेल मीडिएटेड बाइंडिंग ऑफ IgG एंड IgM इज अफेक्टेड एंड देयर इज म्यूकोसल हीलिंग डिफेक्ट. ओके, माइक्रोबियल में देखें तो इन माइक्रोबियल अल्फा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस के एल फॉर्म्स की वजह से होता है. देन सिस्टमिक फैक्टर्स में, इफ अ पेशेंट हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन डेफिशिएंसी, तो ही और शी मे डेवलप रिकरेंट aphthous ulcers और स्टोमेटाइटिस. एंड इन एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज, मेनली फीमेल्स को हो सकता है ड्यू टू एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज. इन एलर्जीज की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एस्थमा, हे फीवर, फूड एंड ड्राई एलर्जी. देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, स्ट्रेस एंड एनीमिया की वजह से भी हो सकता है. ओके, सो दीज आर द इटियोलॉजी. कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ aphthous stomatitis, सो द क्लासिफिकेशन इज मेजरली ऑफ टू टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू इट्स सीवियरिटी. नाउ इन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, इट इज़ ऑफ मेजरली थ्री टाइप्स, माइनर aphthic, मेजर aphthic एंड हैपेटिफॉर्म अल्सर्स. ओके, इसमें हम बिल्कुल मतलब ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी कि आपको याद रहे कि ये होता क्या है. ओके, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है. देन इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. सो इन दैट क्लिनिकल फीचर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द मेजर पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज थ्री अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी के क्लासिफिकेशन में. तो फर्स्ट इज माइनर aphthic, मेजर aphthic एंड हेपेटिफॉर्म अल्सर्स. ओके, तो माइनर में क्या होता है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर के अल्सरेशंस देखने को मिलते हैं. इन मेजर, मोर देन 1 सेंटीमीटर के अल्सरेशंस देखने को मिलते हैं. एंड इन हर्पेटिफॉर्म अल्सर्स देयर आर डजन्स ऑफ स्मॉल अल्सर्स दैट आर 0.5 सेंटीमीटर, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर, एंड दे आर हंड्रेड्स इन नंबर. ओके, सो वेरी वेरी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस हर्पेटिफॉर्म अल्सर. ओके, now in minor aphthic there are some canker sores, the ulcers are oval and they heal without scarring, but in major ulcers the ulcers are more than 1 centimeter and ye certain disease mein dekhne ko milta hai and they heal with scars. agar ye heal hota hai to scar chhod denge. theek hai, coming to the may based on the severity, so in based on the severity they are simple and complex. in simple, the recurrent attacks of any morphological aphthic with distinct ulcer free period will be there. and complex में क्या होगा, that there are constant present of more than 3 ulcers and there will be recurrent orogenital aphthosis. okay, so these are the main part one of this aphthous stomatitis, in which we have discussed the introduction, which are five main things which you have to know about the aphthous stomatitis. then we have discussed the etiology, there are 8 types, immunological, microbial, systemic, endocrine disturbances, anemia, stress, genetic predisposition and allergies. and in classification we have seen minor aphthic, major aphthic, herpetiform ulcers and on the basis of severity, simple and complex. okay, so this is all about the introduction, etiology and classification. and in next video we are going to discuss about the clinical features of the aphthous stomatitis. till then, thank you so much for watching this video and I hope this video helps you in your academics, and if it does then I would be really really grateful.
एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.